स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में 12 क्लास के लिए एक्सरसाइज 13.1 का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको अच्छा से हम कॉन्सेप्ट के साथ में बताएंगे आपको। बिल्कुल जितना फार्मूला है सबको हम शेयर करेंगे आपको, और आप आसानी से सब कुछ क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ में समझ सकेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन क्वेश्चन जानने से पहले यहाँ फिर से हम रिमाइंड करना चाहेंगे, लिखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ये जानना चाहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए दो तरीका का आपको समझना है फॉर्मूला। एक अगर ऐसा लिखा रहेगा पी ए बाई बी, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, एन दोनों का इंटरसेक्शन बाई नीचे वाला इवेंट। क्लियर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है पी ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। दो तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, और देखिए एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला और यूज होगा आपको, पी ए यूनियन बी सेट थ्योरी का फॉर्मूला होता है जो प्रोबेबिलिटी में यूज किया जाता है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसको हम लोग पी ए प्लस पी बी है ना माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे हम लोग लगाते हैं। ठीक है, ये फार्मूला आपको यूज करना है। तो तीन टाइप के फार्मूला बेसिकली इस मतलब कि एक्सरसाइज में यूज होगा, बस इतना ही चीज़ जानना है आपको। ठीक है ना, फिर आगे जैसे जैसे बातें होंगी उसको हम आपको शेयर करेंगे। बट एक और चीज़ आपको यहाँ लिखा देना चाहेंगे हम, आपके लिए यूजफुल रहेगा। देखिए यहाँ पे पी अगर ए डैश कहता है, चाहे ए नॉट भी लिखते हैं इस तरह, उसका मतलब होता है वन बाई पी क्या चीज़ ए। ये सब बातें सेट थ्योरी वाले जो क्लास होता है 11th में, उसके बेस पर रिलेटेड है, और प्रोबेबिलिटी का बहुत ही ये क्या बोलते हैं फेमस फार्मूला है। अच्छा आगे देखिए, पी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का डैश दिया गया है, नॉट दिया गया, तो क्या लिखते हैं हम लोग, पी ए डैश यूनियन बी डैश। और फिर एक और बता देना चाहते हैं आपको कि थोड़ा सा कैमरा को मूव करते हुए देखिए यहाँ पे पी ए यूनियन बी डैश इक्वल टू होता है क्या चीज़, तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। चलिए तो इसका यूज करेंगे हम लोग, और फिर क्या होगा, हमारा काम क्लियर होगा कॉन्सेप्ट के साथ में। तो आइए क्वेश्चन को देखा जाए, यहाँ पे देखिए, तो इसलिए पहला कह रहा है यहाँ पे, इसमें ए में दे रहा है, मतलब ए नहीं देकर पहले दिया है, नाउ लिखेंगे, नाउ पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे वाला इवेंट का प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो क्या दिया है, दिया गया है यहाँ पे 0.2 बाई क्या दिया गया है एफ का 0.3, तो कितना आ जाएगा हमको 2/3 आ जाएगा। क्लियर, अच्छा फिर लिखेंगे अगेन यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, अब पूछ रहा है कि पी एफ बाई ई क्या हो जाएगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन ई, यह एफ है, एफ लिखना चाहेंगे, और बाई पी ई। अब एक बात यहाँ पे निकल के आएगी, उसको भी समझना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ देखिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए होता है, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। क्लियर, इस चीज़ आप क्लियर रखिएगा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। तो वैसे ही
ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी चाहे एफ इंटरसेक्शन ई का प्रोबेबिलिटी, बात क्या होगा, बराबर होगा। बस वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, वही रहेगा ना 0.2 बाई नीचे वाला का मान कितना है 0.6, कितना आएगा 1/3 होगा, 1/3 होगा, राइट। तो अब कटा लिया, 1/3 आ गया, 2/3 आ गया। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। आइए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं, समझते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कॉन्सेप्ट छोटा छोटा है यहाँ पे, इसके साथ में आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सबका यूज होगा, ये भी एक कॉन्सेप्ट कहीं काम करेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अच्छा से समझने के लिए कोशिश करेंगे, क्लियर। चलिए आइए देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बता रहा है, क्या गिवन है यहाँ पे, कह रहे कि गिवन क्या चीज, तो पी बी बराबर 0.5, उसके बाद क्या दिया गया है, तो उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन ही, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.32 दिया गया है, तो देयर फोर पी ए बाई बी पूछ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो दोनों का इंटरसेक्शन बाई नीचे वाले इवेंट का प्रोबेबिलिटी, तो वो तो दिया गया ही है, कितना 0.32/0.5। आप नॉर्मली इसको सोल्व माने कर भी सकते हैं, कितना मतलब यहाँ पे 0.32 है, 0.5 है, देखिए इसको सिंपल तरीके से उड़ा दीजिए आप, कि ये उड़ेगा तो नीचे दो जीरो आएगा और ये उड़ेगा तो ऊपर एगो जीरो जाएगा, तो ये कट गया 32/50, मतलब कितना 16/ कितना होगा 25 हो जाएगा, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, सिंपल चीज़ है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को स्क्रीन शॉट लीजिए, तीसरा में कुछ अच्छा सीखा जाएगा, ठीक है ना। आइए तीसरा क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन वाला पार्ट जरूर देखिएगा प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि जितने क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन से ही सारा खेल है, जितना क्वेश्चन देखेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन वाला पार्ट देखना काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है गिवन क्या दिया गया है, गिवन किताब देखिए रखिए सामने अच्छा रहेगा, गिवन क्या पी ए इज इक्वल टू 0.8, ठीक है, पी बी इज इक्वल टू 0.5 और पी बी बाई ए इज इक्वल टू 0.4, ये हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये दिया है, ये दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पे देखिए, सिंस पी बी बाई ए बराबर दिया है कितना 0.4, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए बाई नीचे वाला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0.4 लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए ए इंटरसेक्शन बी चाहे बी इंटरसेक्शन ए, बात बराबर पड़ेगा, लिख सकते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन बी बाई नीचे वाले का वैल्यू कितना है 0.8 है इज इक्वल टू 0.4, तो यहाँ देखेंगे इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 8^32 है ना, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख लिए क्या 0.32 आपका आ गया। तो अब यहाँ से काम आसान हो गया, इसी का तो मेन चीज जरूरत है ना। तो इसमें पहला बात क्या कर रहा है समझिए, यहाँ पे पहला बात कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन देखिए इंटरसेक्शन वाला पार्ट तो निकल गया, पहला निकल गया, अब दूसरा में आइए, माने इसके बाद दूसरा में आइए, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि ए बाई बी, तो ए बाई बी कितना होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन है ना बट्टा नीचे वाला। अब बोलिएगा कि सर एक और एन वाला आप लिखाए थे उसका तो यूज नहीं कराए, होगा यूज, आप टेंशन ना लीजिए। तो 0.32 मत पढ़िएगा, पॉइंट के बाद हमेशा डिजिट पढ़ते हैं, 0.32 बाई नीचे का कितना है, नीचे का है आपको कितना बी का वैल्यू देखिए यहाँ पे 0.5, फिर वही बात आ गया, तो कटा भी लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, सिंपल जीरो डाल दीजिए ना, वो
कट जाएगा, तो 16/25, 16/25 क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है 16/25 आंसर हो गया आपको। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि मतलब कि इसमें का दूसरा रहा है ये तीसरा देखिए, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है आपको, तो ये क्या होता है बोलिए, ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है इसका मान क्या हो जाएगा बोलिए, मान रखिए सबका, सबका तो मान आया गया ही, ए का मान 0.88, बी का मान 0.5 माइनस 0.32, तो ये कितना हो गया, ये हो गया कितना 1.3 हो जाएगा माइनस 0.32, तो 1.3 में से मतलब गड़बड़ तो नहीं है ना, 5 आया है क्या क्वेश्चन में, कितना दिया है 0.8 0.8, ठीक तो है, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा देखिए, अभी घटाव सिखाना पड़ेगा आपको कि हो जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, घटाव सिखाना पड़ेगा हो जाएगा देखिए, अब इसमें थोड़ा सा हमारे पास जो बुक है उसमें थोड़ा सा मतलब कि ठीक है जो भी है ठीक लिख चलेंगे, क्योंकि उधर टेंसा नहीं, चलिए घटाएंगे घटाइए यहाँ पे, तो काम करते हैं ऐसे कर लीजिए, कैसे सोचिए देखिए, पहले यहाँ पे 0.13 जो है ना जीरो कर दीजिए इस पे, और फिर क्या है ये देखिए 3.2 है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा बोलिए, तो बोलिए 8 ये हो जाएगा 9, ठीक है ना 0.98 आ जाएगा क्लियर, तो कितना आंसर आ जाएगा 0.98 क्लियर, तो यहीं क्या हो गया आपका फाइनल आंसर आ गया, समझ गए ना, तो बढ़िया से ही समझने वाली बात है, क्लियर, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे, आगे देखिए चौथा क्वेश्चन की कहानी है, कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और अच्छा से हो जाए, मतलब अच्छा है कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़िया हो जाए, ठीक है आइए देखिए यहाँ पे फोर्थ नंबर, गिवन क्या दिया है, टू पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 5/13, ये दिया गया है क्लियर, ये दिया गया है आपको, तो यहाँ पे क्या होने वाला है देखिए इसको अच्छा से समझिए, टू पी ए इसको एक बार इसके बराबर करेंगे फिर इसको बराबर करेंगे, बराबर क्या होगा 5/13 एंड पी बी बराबर 5/13, तो यहाँ से क्या हो गया पी ए का मान मिल गया, कितना मिला 5/26 एंड यहाँ से पी बी का मान कितना मिला 5/13 मिल गया, पी ए पी बी मिल गया। तो अब इसमें मतलब कि क्या पूछा रहा है इसमें क्वेश्चन में, इतना हो गया आपको ठीक है ना, अब लिखेंगे नाउ, अब इसमें क्या है ना कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें एक और चीज़ दिया गया है, क्या दिया गया है तो पी ए बाई बी, ए दिया गया है पी ए बाई बी कितना है 2/5 है, तो पी ए बाई बी का मान 2/5 है, तो सिंपल सी बात है क्या है यहाँ पे कि इसका क्या होगा फॉर्मूला, पी दोनों का इंटरसेक्शन बाई नीचे वाला इज इक्वल टू 2/5 क्लियर। अब यहाँ समझिए बढ़िया से, इसका मान तो पता नहीं हमको पी इंटरसेक्शन बी, और पी बी का वैल्यू तो पता चल चुका है 5/13 है इज इक्वल टू 2/5 हो गया राइट। अब जरा ध्यान से देखिए, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए यहाँ पे क्लियर, ध्यान से देखिए यहाँ पे ठीक है, अच्छा से समझने की आपको आवश्यकता है बढ़िया से। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या है कि therefore PA इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा, तो गुना करेंगे आपस में इसको,
देखिए कितना होगा, 2/5 गुने 5/13 कट जाएगा, 5 से 5 तो क्या आएगा 2/13 आएगा, कितना आएगा 2/13। तो अब ये तो निकल गया, अब आपको क्या चाहिए, अब लिखेंगे नाउ पी ए यूनियन बी चाहिए, तो क्या होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का मान कितना है, पी ए का मान है 5/26 प्लस पी बी का मान कितना है 5/13, इंटरसेक्शन कितना आया है 2/13 कितना आया है 2/13 आया है। इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे हम लोग, एलसीएम होगा 26, 5 + 5 = 10, 10 - 10 कितना कट जाएगा क्या, नहीं नहीं देखिए 5 + 2 = 10 - 2 = 4 तो ये हो जाएगा आपको 5 × 6 = 11, 11/26 यही क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को आप समझ गए, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब आइए हम लोग पाँचवें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, पाँचवें नंबर क्वेश्चन में क्या है। सब आसान है, सब आसान है, लेकिन फिर भी आप मतलब देखते चलिए। पांचवा सवाल क्या है, क्लियर यहाँ पे आइए। तो क्लियर करने के बाद पी ए क्या गिवेन है, पी ए इज इक्वल टू दिया है 6/11, क्या दिया है 6/11। पी बी इज इक्वल टू क्या दिया गया है 5/11। पी ए इन यूनियन बी कितना दिया गया है 7/11 दिया गया है, ठीक है। तो सुनिए यहाँ पे क्या कंडीशन चाहिए आपको, फिर इंटरसेक्शन नहीं दिया गया है तो लिखेंगे सिंस पी ए यूनियन बी कितना दिया गया है 7/11। अब इसका फार्मूला कितना होता है बताइए, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 7/11। अब पी ए का मान कितना है 6/11 है, पी बी का मान कितना है 5/11 है, घटा पता नहीं क्या होगा, पी इंटरसेक्शन बी पता नहीं है, इक्वल टू 7/11, क्लियर। बात को समझने का प्रयास कीजिए यहाँ पे, कितना हो जाएगा ये देखिए, ये हो जाएगा 6/5 × 11/11, एक हो जाएगा 1 - आगे घटेगा ही 7/11 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 11 × 11 = 7 4/11, क्लियर। बात को समझने का प्रयास कीजिए, इतना आ गया। अब इसमें जो सवाल है उसको समझिए, पहला सवाल तो निकल ही गया, ये तो लेक्चर में ही करा दिए थे। दूसरा बात समझिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या फर्क पड़ता है, ए बाई बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई नीचे वाला, तो क्या हो जाएगा ये इंटरसेक्शन बी कितना है 4/11 / नीचे वाला का कितना वैल्यू है 5/11, तो कट जाएगा कितना आएगा एक सोल्व होकर कितना आएगा, ग्यारह ग्यारह कट गया 4/5। चलिए तीसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए पूछ रहा है आपसे, तो क्या हो गया दोनों का इंटरसेक्शन बाई नीचे वाला, तो क्या होगा यहाँ पे बताइए, दोनों का इंटरसेक्शन कितना है, देखिए हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी लिखे हैं, क्या फर्क पड़ता है बी ए बी इंटरसेक्शन ए चाहे इंटरसेक्शन बी, बात बराबर पड़ता है, तो क्या होता है नीचे वाला देखिए समझिए, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है 4/11, नीचे वाला का वैल्यू है 6/11, आपको पता है कि 11 से 11 कटेगा 4 6 कटेगा 2/3 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, आप समझ गए ना। तो इतना सारा बात आपको 1 से लेकर 5 तक इस क्लास में हम कराए, तो इसमें और भी चीज़ें हैं उसको भी समझ सकते हैं हम लोग, उसको भी समझ के आगे कुछ बढ़ाते हैं, ठीक है।
पाँच का क्वेश्चन, पाँच तक क्वेश्चन जो देखिए आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझे ना बात ही, ये सारा कॉन्सेप्चुअल है। अब सवाल है कि सर आप एन वाला जो लिखाए थे फॉर्मूला, एन ए इंटरसेक्शन बी बाई फिर एन बी, तो उसका क्या मतलब, उसका देखिए जिक्र यहाँ कर देना चाहते हैं हम, देखिए कैसे। चलिए छठा क्वेश्चन पढ़िएगा। इफ ए क्वाइन टॉस 3 times देन द सिंपल स्पेस एस इज, मतलब कि ए मैंने सिंपल बात है कि एक वो क्वाइन है, सिक्का है, जो क्या कर रहा है वो 3 टॉस किया गया है। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे एस बराबर 3 टॉस किया गया, समझिए 2 टॉस करने का पता है ना कि एच एच आता है, एच टी आता है, टी एच आता है और टी टी आता है, 2 करने पे आता है। देखिए तो अब 3 करने पर क्या आएगा, तो देखिए तो 2 करने पर कितना, 2 करने पर क्वाइन को छानने पर कई आउट कर मत आता है, 1, 2, 3, 4, तो 2 के पावर 2 कर देंगे तो 4 आ जाएगा। अगर 3 करेंगे टॉस तो क्या होगा, 3 सिक्का को एक बार उछालिए, चाहे एक बार, मतलब 3 सिक्का को एक बार उछाल दीजिए, या क्या करना है आपको, एक माने एक सिक्का को 3 उछालिए, बात बराबर है यहाँ पे। तो जब 3 उछालेंगे तो क्या आएगा, 8 आउटकम आएगा। लेकिन अब बात है कि 8 आउटकम कैसे कैसे लिखें, एच 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 टी टी टी, थोड़ा दिक्कत होगा। इसको क्या कीजिए कि समझिए कि 2 पता आपको पता होना चाहिए, इसे आएगा, इसको कॉपी पेस्ट कीजिए, फिर इसको उठा के दूसरा जगह रखिए यहाँ पे, फिर रखिए सेम टू सेम एच 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 टी टी एच और टी टी, करना कुछ नहीं है आपको, एक बार सब में हेड लगाइए, एच 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 सब में टी लगा दीजिए, टी 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 और टी, बस यही 8 आएगा। बस करना क्या है, एक बार जो आता, 2 उछालने पर जो आता है उसको लिख दिए यहाँ पे, कॉपी पेस्ट कर दिए यहाँ पे, कॉपी किया पेस्ट किया, एक बार एच लगाया एक बार टी लगाया, देखिए 8 कौन कौन हो गया, तो एच 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 क्लियर कोमा एच एच टी कोमा एच टी एच कोमा क्या आ गया चौथा एच टी टी कोमा टी एच एच कोमा टी एच टी कोमा टी टी एच कोमा और टी 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 कोमा, क्लियर बात को समझ गए ना। चलिए आइए यहाँ पे देखा जाए अच्छा से बढ़िया से। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जो कह रहा है ना उसको पकड़ना जरूरी है। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं बुआ। पहला ये एक इवेंट दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है ई में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बढ़िया से समझ में आएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिया जाएगा तो अच्छा एक और काम करते हैं, यहाँ पे क्या है देयरफॉर एन एस कितना हो जाएगा, कै गो है 8 है 8। अब लिखेंगे नाउ, अब यहाँ से खेल शुरू होता है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है उसे समझते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ई ई जो है हेड हेड ऑन कौन सा टॉस, तो हेड ऑन थर्ड टॉस तीसरे टॉस पर हेड। अब सिंपल सा बात समझिए, ई में क्या क्या आएगा, तीसरा टॉस पे हेड चाहिए, तीसरा टॉस पर इधर क्या चाहिए उससे मतलब नहीं है, तीसरे टॉस पे उसको हेड चाहिए पकड़ना है। एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, उसके बाद एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, इसमें क्या है तीसरे टॉस पे हेड है, तो लिख देंगे एच 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 कोमा और उसके बाद एच टी एच कोमा टी एच एच कोमा टी टी एच, ये 4 हो गया। फिर लिखेंगे एंड एफ बराबर, कह रहे दूसरा में क्या कि एफ बराबर जो बात है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज, हेड ऑन हेड देखिए किताब में हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज, प्रथम 2 टॉस पे हेड, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो क्या क्या आएगा, प्रथम 2 टॉस पे हेड, तो एच 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 भी हो जाएगा ना, देखिए एच एच यहाँ पे देखेंगे क्या है यहाँ पे, थोड़ा देखिए थोड़ा सा 6th में क्वेश्चन समझते हैं कि इसमें क्या कर रहा है कि हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज प्रथम 2 टॉस पे हेड चाहिए, बोलिए ये हो जाएगा एच एच एच
उसका देखिए कहाँ पे है, प्रथम दो टॉर्च HHT और भी कहीं है क्या जिसमें लगता है दो गो, कहीं नहीं है, दुई योग होगा। ये बात समझ में आ गया। अब निकालेंगे इसलिए ई इंटरसेक्शन एफ। निकालिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। क्या होता है कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन है देखिए ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो H H H यही आपका कॉमन है। चलिए अब यहाँ पे आ गए, इसमें आने के बाद जब आ गए आप तो आपसे कहा क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन जब देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा है, एफ ई बाई एफ निकालिए, ई बाई एफ, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ क्या होगा, दोनों का ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एन दिख रहा है ना, एक दो, ई में कई एलिमेंट है, एक दो तीन चार, एफ में कई है, एक दो, तो गिन सकते हैं, तो यहीं पे एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन ई इंटरसेक्शन एफ बाई एन एफ, ये होता है यूज करेंगे यहाँ पे, जिसमें गिन सकते हैं उसमें यूज करेंगे, डायरेक्ट जहाँ प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा उसमें प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोनों में कई एलिमेंट, इसमें कई एलिमेंट है, एक है पूरे, एक एलिमेंट है पूरा ही, तो एक बट्टा एफ में कई गो है, एक और एक दो, दो एलिमेंट है, तो एक बटा दो क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, वन बाई टू क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। सिक्स का ये वन नंबर क्वेश्चन, सिक्स का दूसरा क्वेश्चन भी देखिए, किताब सामने नहीं रखेंगे ना तो आप नहीं समझ पाएंगे बात को बढ़िया से, इसलिए ज़्यादा तेजी नहीं, मोबाइल है पास में तभी तो किताब पास में रखिए, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखा जाए बढ़िया से, यहाँ पे समझिए इसका दूसरा दूसरा क्या है, सबसे पहले कि हम एक मिस्टेक किए कि मिटा दी, उसको मिटाना नहीं चाहिए था हमको, क्या था देखिए लिख देते हैं बढ़िया से, पहले H H H था, उसके बाद होगा H H T, उसके बाद क्या होगा H T H हो जाएगा, उसके बाद कोमा देते चलिए, उसके बाद क्या होगा H T T H T T, उसके बाद क्या होगा T H H, उसके बाद क्या होगा T T H, उसके बाद क्या होगा T T T, एक दो तीन चार पाँच छः सात को लिखे क्या, फिर कहीं मिस्टेक क्यों नहीं बोले कि ऐसे लिखने में मिस्टेक होता है, इसलिए कॉपी पेस्ट सिखाए हैं। टी एच देखिए एच 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 ठीक है, उसके बाद एच एच टी भी हो जाएगा, एच टी एच हो जाएगा, एच टी टी हो जाएगा, टी एच एच भी हो जाएगा, टी एच टी टी एच टी टी एच टी ये डाल देते हैं, टी एच टी और फिर क्या डालेंगे हम टी एच एच और फिर टी टी टी, इसीलिए कॉपी पेस्ट वाला बात बताए थे, आठ को एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है ना। अब सिक्स का ही चल रहा है दूसरा में, ई क्या कह रहा है देखिए पढ़िए बढ़िया से, ई जो है सिक्स का टू में क्या कह रहा है, ई बराबर एटलीस्ट टू हेड्स, एटलीस्ट टू हेड्स, दू गो हेड की बात कर रहा है, एटलीस्ट टू हेड्स मतलब कम से कम दो गो हेड, अधिक से अधिक तीनों गो हो सकता है, दो गो हेड कम से कम, दो गो चाहिए, एक ये ले सकते हैं हम लोग एच एच एच, उसके बाद दो गो, एक हाई दिख रहा है यहाँ पे एच एच टी, उसके बाद देखिए अब किसी में क्या है, यहाँ पे भी है तो वो है यहाँ पे है टी एच एच भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें टी एच एच भी हो जाएगा, जिसमें कम से कम क्या हो दो हेड हो, दो गो हेड, तो इसमें भी तो हेड है ना, बात समझ रहे ना, इसमें भी हेड है एच टी 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 एच, इसमें दो हेड हो, फिर इसमें है टी एच एच, और भी कहीं है क्या, दो जगह लिखा गया लगता है हमको, सेम टू सेम एक चीज़ दो बार लिख दिए हैं हम, एक चीज़ दो बार लिख दिए हैं हम, टी टी एच लिखना पड़ेगा तब जाकर होगा टी टी एच, ठीक है अब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, तो हो गया ये टी एच एच क्लियर, तो एक दो तीन चार, चार को ऐसे इस समय दिख रहे हैं जिसमें क्या है कम से कम दो गो हेड है। अच्छा एफ के बारे में सोचिए, एफ के बारे में क्या दिया है, एफ के बारे में क्या दिया है, तो एफ के बारे में दिया है देखिए किताब में, हम देख रहे हैं किताब में कि एफ के बारे में कह रहा है कि यहाँ पे क्या कहा एफ के बारे में, हाँ
एटमोस्ट टू हेड, एटमोस्ट 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 टू हेड, देखिए एटमोस्ट टू हेड्स, अधिक से अधिक दो गो हेड चाहिए, अधिक से अधिक क्या चाहिए, दो गो हेड चाहिए। अधिक से अधिक दो गो हेड का मतलब क्या, दो गो चाहिए, दो से अधिक नहीं चाहिए, दो गो से कम हो चलेगा, नहीं रहेगा तब वो चलेगा। तो क्या क्या होगा, ये पक्का नहीं होगा और बाकी सब होगा, क्लियर। तो एच एच इसमें दो गो है, इसमें भी दो गो है, एच टी टी इसमें क्या है, इसमें आपका ए गो है, कोई दिक्कत नहीं है। टी एच एच इसमें दो गो है, टी एच एच टी इसमें ए गो है, टी टी एच इसमें ए गो है, टी 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 इसमें को नहीं है। मेरे पास अधिक से अधिक 100 रुपया है, आपको अधिक से अधिक 100 रुपया दे सकते हैं, मतलब 100 से अधिक मेरी औकात नहीं है, कम हो सकता है, 1 रुपया दे सकते हैं, 2 रुपया दे सकते हैं, 99 रुपया दे सकते हैं, 100 रुपया दे सकते हैं, 100 से अधिक नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ऐसे है। तब चलिए, इसलिए ए क्या है ना यहाँ पे कि ई इंटरसेक्शन एफ निकालिए, कमन कौन कौन है दोनों में, 0 कमन हो जाएगा, एच 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 टी एच टी एच टी एच एच। चलिए नाउ अब क्या कह रहा है, पी ई बाई एफ निकाल रहे हैं, तो दोनों का एन वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, दोनों का इंटरसेक्शन बाई क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए नीचे वाले इवेंट का संख्या, तो क्या होगा, देखिए आप ये हो जाएगा आप, इसमें कितना है 1 2 3, इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो, 3/7 क्या हो गया, 3/7 क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा, 3/7 आंसर हो जाएगा आपका, क्लियर, बात समझ गए ना। तो ये 6 का कितना रहा, दूसरा रहा। अब 6 का तीसरा भी बता देते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो काफ़ी अच्छा हो जाए, मैंने कहने मतलब कि कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी अच्छा समझ में आ जाए, अच्छा हो जाए, ठीक है। अच्छा, 3 जो 6 का 2 है, 3 नंबर क्वेश्चन है, उसको तो ना बताएं तभी काम चल जाएगा, क्योंकि देखिए आगे मतलब आसान है इसलिए बोले हैं, ऐसे कोई इरादा नहीं कि नहीं बताने का, ठीक है ना। चलिए बताते हैं 6 का 3, चलिए 6 का 3, 6 के 3 में हम क्या डाल सकते हैं, ई के बारे में कह रहा है क्या कि एटमोस्ट टू हेड, एटमोस्ट एटमोस्ट टू हेड्स, एटमोस्ट टू हेड्स, अधिक से अधिक 2 हेड, सॉरी टेल 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 नॉट हेड टेल टेल टू टेल्स है ना। तो अधिक से अधिक 2 टेल मतलब कि कम से कम 1 गो रहेगा, नहीं रहेगा तो वो काम चलेगा, मतलब इसको छोड़ के बाकी सब। तो एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच एच और टी एच टी और टी टी एच, अधिक से अधिक 2 गो हेड चाहिए, टेल चाहिए, बाकी 1 गो रहेगा तो वो काम चलेगा, 3 गो नहीं होना चाहिए बस। एंड एफ इज इक्वल टू एटलीस्ट वन टेल, तो कम से कम 1 गो टेल चाहिए, कम से कम 1 गो चाहिए, साफ जरूरी है वो। तो क्या होगा, इसमें टेल नहीं है, नहीं चाहिए हमको एच एच टी, 1 गो टेल चाहिए ही चाहिए, एच टी एच इसमें भी है, इसमें 2 गो है, क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 1 गो चाहिए, टी एच एच कोई प्रॉब्लम नहीं क्या, उसके बाद टी टी एच, ठीक है ना, टी भी हो गया, टी एच टी भी लिख सकते हैं, टी एच टी इसमें भी है ना। तो 1 गो बस, इसमें 3 गो नहीं चाहिए, इसमें 1 गो नहीं है, इसमें 3 गो है, तो दोनों नहीं चाहिए हमको, ठीक है ना। अधिक से कम से कम, कम से कम कितना, सॉरी 1 सेकेंड रुकिए, और एक और चीज़, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 गो टेल चाहिए, कम से कम 1 गो टेल चाहिए, इसको समझे ना। तो अधिक से अधिक 3 गो हो सकता है, तो ये भी लिख लीजिए, टी 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 है कि नहीं है, गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 है कि नहीं है, थोड़ा सा देखिए ध्यान से यहाँ पे नाउ,
ई इंटरसेक्शन एफ करेंगे, क्या मिले? दोनों में कॉमन कौन मिलेगा? देखिए दोनों में कॉमन क्या है, इसमें एच एच फालतू है, इसमें टी टी फालतू है, बाकी सब तो कॉमन है। 6 को कॉमन हो रहा है यहाँ पे, एच एच टी कॉमन है, एच टी एच कॉमन है, इसी के साथ आपका जो है ना ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। टी एच टी है, टी टी एच है ये, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ क्या होगा, एन बाई एन एफ कितना होगा इसका, गिनिए तो लिखते हुआ इसमें 1 2 3 4 5 नहीं नहीं कमन में 1 2 3 4 5 6 6 बटा नीचे वाले का 7, 6/7 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, है ना। डायरेक्ट तरीके से आपको ये सब चीज़ समझा दी आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये 13.1 में 6ठा क्वेश्चन का तीसरा हो गया, और आगे पढ़ेंगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। ज़्यादा टाइम किल नहीं करना चाहते हैं, धीरे धीरे आपको डोज दे रहे हैं ताकि आप और भी अच्छा से काम कर सके आगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, 7, 8 है, 9 है, 10 है, 13 तक है, वर्ड प्रॉब्लम भी इसमें आएगा, तो बड़ा मज़ेदार बात है ये, सब चीज़ें समझ में आएगी आपको। 17 तक क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव लेकर, तो सब चीज़ सॉल्व करेंगे हम, अच्छा से समझाएंगे आपको। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, थैंक यू।